हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो एकदम पुरानी है और एकदम से इतनी तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई ना कि मैंने कहा अगली वीडियो मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ के मौसम में कोई भरोसा नहीं भाई, एकदम में रंग बदलता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली हम पेपर्स से हो चुके हैं आज़ाद और हमने सोचा हुआ था ना कि पेपर्स के बाद हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे, इस कंट्री जाएंगे, उस कंट्री जाएंगे, पर कोरोना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और हमें उसने कहा मैं तुम्हें जाने देता हूँ कहीं पर। और फाइनली फिर हम घूम फिर के मागदीपुर में एक ब्रिज पर जा रहे हैं, बहुत ब्रिज पर जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको साथ लेके चलता हूँ, कुछ पिक्चर्स क्लिक हो जाएंगी और क्योंकि फिर आगे बिल्कुल टाइम नहीं है ना, दो तीन रह गए आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा। सो इससे पहले पहले ना हम चले जा रहे हैं कि कहीं घूम रहे हैं, मतलब थोड़ा फ्रेश हो जाता है ना बंदा, क्योंकि कोरोना की वजह से घर में बैठ बैठ के और पेपर्स दे देके ना सो बहुत वो बंदा डिप्रेस हो जाता है। सो इसलिए हम निकले थोड़ी फ्रेशनेस के लिए और हम जा रहे हैं आज एक बहुत ही ब्रिज पे और काफ़ी आवाम भी हमारे साथ है, लेकिन हम पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ जा रहे हैं। सो इस जगह पे पहुंचने के लिए हम हासरबाग ट्राम स्टेशन पे उतरे थे। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग मागदेपुर में और जिन्हें आना है, अगर वो आना चाहते हैं यहाँ पे, तो हासरबाग पहुंच के यहाँ पे रोते हॉर्न पार्क मैक पे डाल देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे और इससे आगे मागदेपुर वाटरफॉल भी है, सो आप सबको ये देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी ना, हम लास्ट टाइम फ्रैंकफर्ट गए थे तो वहाँ पे भी सबने लव लॉक्स लगाए हुए थे और यहाँ पे भी ये सीन चले, सारे ताले वगैरह लगे हुए और लिखा भी हुआ है इस लीबे डिश फॉर इमर, आई लव यू फॉर ऑलवेज, और सारे तालों पे नाम शाम लिखे हुए क्लोजअप में अगर देखें और काफ़ी प्यारे प्यारे ताले लगे, मैं सोच रहे हैं खोल के ले जाए इनकी चाबियाँ कहाँ होंगी। मैं सोच रहा हूँ ये ताले लगे हुए ना, हम ताला खोलने वाले को बुला के ना सारे ताले लेते हैं। हमने फ्रैंकफर्ट में भी ये सोचा था करने का, पर उस वक्त ना चांस नहीं मिला, पर अभी तो हमारे मागदेपुर में है तो ये हम कर सकते हैं। इन सबके रोज कुछ ना कुछ आके निकाल के दे जाएंगे, लेकिन सबके कपल्स टूट जाएंगे ना। वो काफी कुछ प्याले भरे प्यारे प्यारे, कुछ जो है जंगशुदा है वो लगता है, पता नहीं नहीं, अच्छे अच्छे लेके जाएंगे, थोड़े से अच्छे भी नए नए हैं ना वो लेके जाएंगे। और बेल्स की आवाज और चर्च में साथ ही चर्च है, बेल्स की बेल की आवाज आ रही है साथ साथ, और सर्दी बहुत ज्यादा है मोहम्मद, सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और यहाँ पे बच्चों के मुंह नाक लाल हो गए हैं, और लेकिन फैशन पूरे चल रहे हैं, देखें फैशन नहीं छोड़े, जैकेट उतर चुकी है, देखें जैकेट उतर चुकी है, पिक्चर्स के लिए सिर्फ ना लोग जैकेट उतार देते हैं कि पोज अच्छा लगे ना, पिक्चर जरूरी है, पिक्चर जरूरी है, सर्दी लगती रहे आगे कौन सा कहीं जाने, लेकिन आप देखें हम कहीं जा नहीं सके, हम मुड़ थोड़ के ना यहीं पर एक वाटर ब्रिज पर मोहम्मद जा रहे हैं, हम कब कहीं जाएंगे मोहम्मद, कब हम किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। हमने इतने प्लान बनाए हुए थे ना, हमने कहा था, लेकिन कोरोना टेस्ट की वजह से ना फिर बंदा क्या टेस्ट करवाए क्या जाए, सो इसलिए हमने कहा हम अपना ईद तक रखते हैं, तो ईद पे ना हम कहीं जाएंगे। सो आपने ना वो नहीं होना, क्या नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना, डिसहार्ट निराश नहीं होना, हम जाएंगे जरूर जाएंगे, एक दिन हम जरूर जाएंगे। हम पहले इस जगह पे आ चुके हैं, पटना, उसे हमारा पेपर था, मतलब पेपर के लिए हम यहाँ पे, हमारा एग्जाम हॉल था, सो पेपर में तो आपको पता है क्या हाल होता है बंदे का, पेपर से हमारी अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। नहीं, इसलिए हमने वहाँ दोबारा यहाँ आने पे का सोचा ही नहीं, लेकिन आज हम आए, हमने कहा कोई नई जगह जाते हैं जहाँ पहले ना जा चुके हों, सो यहाँ इस जगह को कितनी सुकूनदार जगह, मतलब पुरसकून जगह है, मतलब लोग जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह, आप लोग भी यहाँ पे आके साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा पेपर हुआ था, यहाँ पे ना सारे बड़े बड़े फंक्शन वगैरह जो अरेंज होते हैं यहाँ पे होते हैं, इसीलिए हमारा पेपर भी उसमें से एक था, सो वो भी यहाँ पे अरेंज हुआ था, वो हमारी याद है। फेल हो गए थे क्या? नहीं नहीं, अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे भी नहीं है और लोगों को वॉशरूम जाना याद आ गया। ऑफिस को दूर करो, वो वॉशरूम जाने का रास्ता ढूंढने। बचपना वापस आ गया, कहते हैं ना बचपना नहीं जाता लोगों का, मैंने भी जाना, मेरी बारी है बस, मोहम्मद हम दोनों चलते हैं, चलो मोहम्मद और मैं ही साथ जाएंगे, ये बैठेंगे झूला तोड़ देंगे, झूला पक्का नीचे आ जाएगा, बैठे नहीं देंगे, नहीं नहीं हम जाएंगे, हम करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, टूट जाएगा नहीं झूलो, तो मोहम्मद हम दोनों
तो जाना बहुत है ब्रिज था, रास्ते में पार्क नजर आ गए तो इनकी ये फोटो शूट शुरू हो गई यहाँ पे भी, और अब जहाँ जाना है वहाँ जाने से हम रह गए हैं, लेकिन हम जाएंगे। मोहम्मद ब्रिज गिर रहे तो गाइस गोल्डन आवर का टाइम है, पर इतना बादल निकले हुए ना कि कोई सीन ही नहीं मिल रहा, लेकिन हमने जहाँ जाना था वहाँ अभी तक हम नहीं पहुँचे, जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे नहीं, रास्ते में पिक्चर्स रास्ते में इतना सारी। एक हमारे साथ बंदा है, एक हमारे साथ बंदा है, अली अफ्तार जिसका नाम है, वो हर जगह जहाँ देखता है पिक्चर लो। सो जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचने से ही रह जाते हैं। गांव से आए जहाँ बड़ी चीज थोड़ी देख लेते हैं, हरियाली कुछ बोलते आगे भी थोड़ा बोल लेते हैं। हम जा रहे हैं फाइनली, अब दुआ करें अंधेरा हो जाए कि हम पहुँच जाए उससे पहले, और हम जाके कुछ सीन रिकॉर्ड कर लें। अभी तक हम इतना अरसा हो गया, हमें 1.5 साल हो गया है ना अरसा आए हुए, पर अभी तक हमने मैग्डेबर्ग में ना इतनी जगह नहीं देखी हमने, सो हम क्या दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाएं। सो लेकिन जा चुके हैं काफ़ी सिटीज़ में, हम फ्रैंकफर्ट जा चुके हैं, बर्लिन, आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। और नहीं इंशाल्लाह ईद पे हमने सोचा हुआ जाने का, लेकिन अब क्योंकि रोज़े आ रहे हैं आगे तो हमने कहा था थोड़ा डिले कर देते हैं ना, कोरोना भी तब तक इंशाल्लाह अच्छे हालात हो जाएंगे। सो ये सीन चल रहा है, ये हमारे माइंड में है अभी तक, और जाएँगे जाएंगे ना हम लोग जाएंगे। सब अपने बातें कह रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये उनका सबूत था अभी आया है। सो तहा कितने दिन हो गए आए हुए? सो मतलब क्वारंटीन पूरा हो चुका है, और उसके बाद शनल टेस्ट भी करवाया है जी। आज के दिन मैग्डेबर्ग में शनल टेस्ट भी हो रहा है, तो 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, तो सही कोई मसला तो नहीं हुआ ना, वो नेगेटिव है। हाँ, और जैसे ही क्वारंटीन खत्म हो रहा है बंदा कहता है भागना मैंने आजाद फिरना मैंने मैं बस अब घूमना चाहता हूँ, तंग आगे हो गए सही, चीज़ें वगैरह मिल गई सब, कोई मसला नहीं हुआ। और कैसा लग रहा है जर्मनी में आके, मज़ा आया? हाँ काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी तो क्वारंटीन की वजह से बंद है चीज़ें, लेकिन पार्क्स वगैरह ओपन है तो वो इनको एंजॉय कर रहा हूँ। चलो बस वही अभी घूमेगा ना ऐसा ऐसा, अभी तो ये निकला है यूनिवर्सिटी, उन्होंने उसको रूम भी दिया था पूरा ना, यूनिवर्सिटी उन्होंने प्रोवाइड किया था ना स्टूडेंट, सो हाँ स्टूडेंट्स, और अभी भी इसको ये वनाइम का ही रूम मिला है, मतलब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ही मिला है। सो काफ़ी लकी होते हैं वो लोग, जो तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हें ना बाहर से ही आके मिल गया। असद को पूरा साल लग गया था मिलते हुए ना असद, और इसको आते साल ही माशाल्लाह इसने 1 साल पहले अप्लाई कर दिया था डॉर्म के लिए, तो उसको जल्दी मिल गया, सो नॉट बैड, ये भी लक है। गाइस हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, और जगह बहुत खूबसूरत थी असल में ना, स्प्रिंग में जब हम आएंगे ना तब सही हरियाली ग्रीनरी वगैरह होगी ना तब मज़ा आएगा, अभी इतना पता नहीं चला वीडियोस में आप देखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी हमने काफ़ी शॉट्स वगैरह बनाए हैं, आपको देखने को देख लिए होंगे आपने अभी तक, और ना काफ़ी सीन्स ना अच्छे थे, लेकिन स्प्रिंग में दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। जिस तरह हार्ड्स वगैरह अब ये तो हर जगह भी आप चले जाना जर्मनी में सब जगह पर ना, क्योंकि सारे पत्ते झड़े हुए हैं, अब तो फिर भी फूल निकलना शुरू हो गए हैं, स्प्रिंग आने वाला है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो हम फिर आएंगे इंशाल्लाह, और ईद पे भी हमने कहीं प्लान बनाना है, और रोज़े आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे रोज़ों में पर्सनली बहुत मज़ा आता है, और कुछ लोगों को ना चांद तारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, वो आगे जा रहे हैं लोग कुछ लोगों को चांद, हाँ सारे रोज़े रखता हूँ, सो कुछ लोगों के ना हाथ पाँव में आ जाते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आता है, और इंशाल्लाह सारे रोज़े रखेंगे, और आपके साथ अफ्तारी वगैरह भी करेंगे। मैंने सोचा इस दफ़ा ना हर हफ्ते एक अफ्तारी कहीं ना कहीं करनी है किसी किसी के घर में, सो बहुत मज़ा आएगा देखने को। और मस्जिद में भी ना अफ्तारी वगैरह होती ही है, लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह, लास्ट टाइम भी नहीं हुई कोरोना की वजह से, और इस दफ़ा भी मुश्किल लग रहा है, कोई चांस नहीं है कि कुछ होगा। सो ट्राम सा बस आ गया, सो इस वीडियो को मैं करूँगा यही पे एंड, सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज इमरान सिंह। बाय बाय।